हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगना कुक्स यम। आज हम बनाने वाले हैं पोटैटो स्नैक्स। जब आप इन्हें खाएंगे तो आप फ्रेंच फ्राइज को भी भूल जाएंगे। इतने क्रिस्पी बनते हैं और इतने करारे और इतनी इजी रेसिपी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। इन्हें बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के 3 से 4 पोटैटो ले लिए हैं। आप क्वांटिटी ज़्यादा और कम अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद इन्हें बिना छीले ही, क्योंकि हम इन्हें अच्छे से वॉश करेंगे, उसके बाद इन्हें हम इसी तरह ट्राइंगल शेप में कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ईजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसी तरह से ये देखिए, किनारा इस तरह से बनना चाहिए, इस तरह ट्राइंगल शेप आनी चाहिए। इसी तरह से हम सारे ही पोटैटोज़ को कट करके बाउल में डाल लेंगे। उसके बाद हम गैस पर मीडियम फ्लेम पर पानी गर्म कर लेंगे और उसमें बॉयल आने देंगे। थोड़ा सा टेस्ट आ जाए पोटैटोज़ में, इसके लिए इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डाल देंगे और उसके बाद ऐड कर देंगे सारे पोटैटोज़। अच्छे से इसमें ऐड कर देंगे। सारे पानी में डिप हो चुके हैं और इन्हें हम 3 से 4 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे। तो 3-4 बहुत ज़्यादा देर नहीं करेंगे, 3 से 4 मिनट में ही ये देखिए 50% ये सॉफ्ट हो जाएंगे। इन्हें इसमें से निकाल लेंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद एक दूसरे बाउल में हम यहाँ पे बैटर तैयार करेंगे। तो बैटर तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर एक बड़ा बाउल ले लिया है। उसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 कप मैदा और उसके साथ ही क्रिस्पी फ्लेवर के लिए हम यहाँ पर 1/2 कप राइस फ्लावर डाल रहे हैं। आप चाहे तो कॉर्नफ्लावर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दें। इसके साथ ही 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है मैंने, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून भर कर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करें। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालें और इसका अच्छे से बैटर बना लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालते जाएंगे और राइट कंसिस्टेंसी आने तक हम इसका बैटर बनाएंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें। तो ये देखिए, पूरी तरह से लम्स निकल चुके हैं, कोई भी गुठली बनी नहीं है। इसके बाद हम इसे चेक करके देखेंगे। तो हमने चम्मच से चेक करके देखेंगे, ये देखिए कितना अच्छे से रनी बना है। और ये देखिए पीछे इसमें चम्मच में आप देख सकते हैं अच्छे से रुक रहा है। और हम यहाँ फिंगर से इसे चेक करेंगे, अगर ये देखिए इस तरह से रुक जाता है तो ये इसका परफेक्ट बैटर है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से बन गया है। तो इसे हम यहीं रहने देंगे। इसके बाद हम पोटैटोज़ को देखेंगे, ये भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब इसमें पहले हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून राइस फ्लावर, जिससे कि इसमें एक्स्ट्रा क्रिस्पी फ्लेवर आएगा और भी बैटर बनेंगे। तो हम इसे पहले इससे कोट कर लेंगे। अब इसके बाद एक एक पोटैटो पीस लेकर हम इसमें डिप करेंगे और इसे अच्छे से डिप करने के बाद हम इसे पैन में ऐड करेंगे। तो यहाँ हमने गैस पे ऑयल ले लिया है, पैन में मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। बहुत तेज़ गर्म नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम पर, और एक एक करके हम इसमें ऐड करेंगे। अगर एक साथ ऐड करेंगे तो ये फ्रेंड चिपक भी सकते हैं, इसलिए हम एक एक कर ही इन्हें इसमें ऐड करेंगे और जितने एक बार में आ जाएंगे उतने फ्राई करेंगे। और अब इसको हम 1 से 2 मिनट के बाद चम्मच से हिलाएंगे और उसके बाद लगातार इसे चलाते चलाते गोल्डन कलर आने तक हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, 6 से 7 मिनट में ही कितने क्रिस्पी, और आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। इसे हरी चटनी, लाल चटनी के साथ सर्व करें, बहुत मज़ेदार बनते हैं कि आप फ्रेंच फ्राइज भी भूल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करें बगैर नहीं जाइएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।